नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। और आज जो आप ये दिख रहा है, क्या आप जानते हैं ये क्या है? ये है पोई साग का जो छोटा छोटा सीड्स है उसका, उसको हम लोग खाते हैं। तो बचपन में बहुत इसको खाते थे, तो इसका रेसिपी मैं लेके आई हूँ। पोई साग आप लोग पहचानते ही होगा, फिर भी मैं आप देख सकते हैं मैं स्क्रीन में दिया हूँ। तो इसका जो ये सीड्स है, जब पक जाता है ये खाने के लिए पूरा तैयार होता है। इसको हम लोग मछली के साथ भी, ड्राई फिश के साथ भी खाते हैं, लेकिन फिलहाल आज इसका सिंपल रेसिपी आपको मैं बना के दिखाऊँगी। तो उसके लिए पहले हमें लेना पड़ेगा कढ़ाई, और कढ़ाई मेरा आप देख सकते हैं, अभी अभी मैंने ये जो मेरा खेती से लाया हुआ साग है उसको मैंने बनाया हुआ है, तो उसी कढ़ाई को मैं यूज़ करूँगी। देखिए ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको शॉर्ट में डाला हुआ है। मैंने ये साग कैसे बनाया, बहुत सिंपल रेसिपी है। तो अभी इसके लिए मैं क्या करूँगी, जो कढ़ाई है वो गर्म होने से थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालूँगी, और इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है। तेल को गर्म करना है, और जैसे ही तेल गर्म होगा हमें वहाँ पे जो पोई का सीड्स है उसे डाल देना है। तो आप पोई का जो सीड्स है उससे आप घर में आसानी से पोई साग को उगा सकते हैं। उसको ज़्यादा उगाने के लिए टाइम नहीं लगता है, और ज़्यादा इसको पानी का भी ज़रूरत नहीं होता है, ज़्यादा केयर का भी ज़रूरत नहीं होता है। आप आपका किचन गार्डन में आराम से इसको उगा सकते हैं। सो देखिए मेरा ऑयल रेडी है, अभी मैं इसमें डाल लूँगी पोई सीड्स। मैं हल्के हाथों से हिलाऊंगी, फिर जाएगा थोड़ा सा नमक, और इस पे डालेंगे एक काचा मिर्च, और डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, और बस अभी इसको हम लोग हल्के हाथों में चलाते जाएंगे। तो ये जो डिश है आपका, ये राइस के साथ खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा जब आप इसका साथ राइस को मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, तो आप देखेंगे पूरा इसका कलर जो है राइस के साथ लग जाता है। और ये तो बच्चों का फेवरेट डिश होने वाला है। हम लोग जो बचपन पे खाते थे, हम लोग जो बचपन में खाते थे उसका याद मुझे अभी भी है। तो ये मेरा किचन गार्डन से मैंने थोड़ा सा लाया हुआ है। मैंने सोचा क्यों ना आपको ये रेसिपी दिखा दूँ, तभी आपको ये सीड्स मिल जाएगा तो आप आराम से खा सकते हैं। इसका भी बहुत हेल्थ बेनिफिट होता है। देखिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओपन में ही पकाऊंगी, इसको ढकना नहीं है। जो मेरा सीड्स है वो भून के तैयार हो गया लगभग, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सीड्स से जो पानी है वो धीरे धीरे सूख जाएगा और आपको हर तरफ से सीड ऑयली नज़र आएगा, तो उसका मतलब ये हो चुका है। ये अभी हो गया, मैं अभी गैस को ऑफ कर दूंगी और इसको दूसरा बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूंगी। मेरा रेसिपी बन के तैयार हो गया, तो आपको आप जब इसको खाएंगे खाना के साथ राइस के साथ, तो ये टक टक साउंड देगा, तो उसका सीड जो आपका मुंह पे जैसे आपका पवल का वो फूट जाता है, सेम इसी तरह से ये भी होगा, लेकिन बहुत बहुत टेस्टी लगता है खाने के लिए। तो गाइस ये देख सकते हैं मैंने गर्मा गर्म खाना लिया,
पोए सीड के साथ। अभी देखिए इसको जब मैं हम लोग ऐसे मिलाएंगे तो देखिए किस तरह से ये पूरा रेड बन रहा है। और मैं तो खाने वाली हूँ इसको मिक्स करके। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रेसिपी कैसा लगा। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अच्छा से रहिए। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।